हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा टू वर्ल्ड पे। और अभी हम उठ के तैयार हो चुके हैं, सवेरे के बज गए हैं 7 और अभी हम निकलने वाले हैं गिर सोमनाथ के लिए। गिर सोमनाथ जो है यहाँ से वो 75 किलोमीटर है, क्योंकि हम रुके हैं यहाँ तलुकदरी में। तलुकदरी जो ये एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 4 दिन के लिए रुके हैं। कल भी दीव के लिए गए थे, वो भी 70 किलोमीटर था, क्योंकि ये हमने एडवांस में 4 दिन के लिए बुक कर लिया था, तो इसलिए यहीं पर रुकना पड़ा। तो जर्नी शुरू करते हैं गिर सोमनाथ के लिए, और आज आपको दर्शन कराएंगे गिर सोमनाथ के, और उसके साथ साथ जो भी नियरेस्ट विजिटिंग प्लेस हैं उन पे आपको हम घूमने लेके जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ और घूमते रहिए गिर सोमनाथ। तो फ्रेंड्स, हरियाणा टू वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं सोमनाथ धाम। सोमनाथ धाम अपने आप में एक फेमस टेंपल है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत ही श्रद्धापूर्वक प्रतीत होने वाला है। सोमनाथ धाम जो है वो सोमनाथ बीच पर है। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लोकेशन है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमनाथ धाम में आप कहां पर स्टे कर सकते हैं, कितने दिन का स्टे करना चाहिए, और आप कैसे पहुंच सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्लेसेस टू विजिट कौन से हैं, बजट आपका क्या रहेगा, कंप्लीट जो ट्रैवल गाइड है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हाउ टू रीच, अगर आप यहाँ पर बाय ट्रेन आते हैं तो जो सबसे नज़दीक स्टेशन है वो है सोमनाथ का, और अगर आप सोमनाथ डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप वेरावल से भी यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि सिर्फ 7 किलोमीटर ही दूरी पर है। तो वहाँ से भी आप जो है ट्रेन लेके वो आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आप सोमनाथ बस से सोमनाथ टेम्पल की तरफ जा सकते हैं, जो कि फ्री सर्विसेज हैं, और इसी बस में आप इंजॉय करते हुए श्रद्धालुओं के साथ सोमनाथ टेम्पल जा सकते हैं। तो बस स्टेशन जो नियर बाई यहाँ पर आपको पड़ेगा सोमनाथ बस स्टेशन, और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप राजकोट और अहमदाबाद से भी आ सकते हैं, और बाय फ्लाइट आते हैं तो नियर बाय जो एयरपोर्ट है वो कसौड है, जो कि 50 किलोमीटर है, और अगर आप वहाँ से आपको फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दीव एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। दीव से सोमनाथ की दूरी 85 किलोमीटर है, और जो कसौड से 50 किलोमीटर। आप स्टे की बात कर लेते हैं, स्टे यहाँ पर आप धर्मशाला में भी कर सकते हैं, जो कि 300 से 400 रुपये में आपको मिल जाएगी, और अगर आप यहाँ पर ट्रस्ट में सोमनाथ ट्रस्ट में अगर रहना चाहते हैं तो आपको वो 700 से 1000 रुपये में मिल जाएगी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन इसको ले सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और अगर आप यहां पर रहते हैं तो नॉन एसी रूम 700 रुपये में, और एसी रूम जो है 1100 रुपये में आपको मिल जाएगा, जो कि यहां के रूम बहुत अच्छे खासे हैं, आपको वो पसंद आने वाले हैं। और अगर और भी आप होटल वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपको ईजिली 1000 से 1500 में मिल जाएंगे। और अगर फूड की बात करें तो वो आपको यहाँ पर 70 रुपये थाली से लेकर 120 रुपये थाली तक बहुत ही अच्छा भोजन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर आरती ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि वो बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली होती है, और आप यहाँ पर आरती में इंजॉय कर सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस सोमनाथ टेम्पल का जो बेस्ट टाइम है विजिट का, वो नवम्बर से मार्च बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा रहता है उस टाइम, अदरवाइज़ यहाँ पर जो है वो गर्मी रहती है। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं, कितनी प्यारी ये लोकेशन है, और ये देखिए कितना प्यारा व्यू यहाँ पर है। इसको जो काफ़ी बार गिराया गया था, लेकिन लास्ट टाइम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो उनकी जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर लगाई हुई है, और साथ में ये व्यू आप देख सकते हैं, ये है सोमनाथ बीच का कितना खूबसूरत नज़ारा। ये है सोमनाथ टेंपल, सोमनाथ मंदिर आप मेरी बैक साइड में देख पाएंगे, बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, और एक बार आपको यहाँ पर जरूर विजिट करना चाहिए। गुजरात में सोमनाथ स्थित ये मंदिर है, सोमनाथ टेंपल, और कहा जाता है, बताया जाता है कि मुगल्स ने इसको 17 बार तोड़ने की कोशिश की या फिर तुड़वाया, और ये 18वीं बार जो आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है,
और एक मेन चीज कि अंदर जो है मंदिर के, आप ना ही कोई कार की कीले लेके जा सकते हैं, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ना ही किसी भी तरीके का मोबाइल, अंदर सब कुछ बैन है। इसलिए जो साइड में जो सी व्यू है, बीच व्यू है, सोमनाथ बीच मैं आपको दिखाऊंगा साइड में, जो ये सोमनाथ बीच है, ये भी बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है, यहाँ पर आप अपना क्वालिटी टाइम बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। तो जो ये मंदिर है इसमें किसी भी तरीके का मोबाइल्स वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए जो सी साइड है वहाँ पर हमने आके आपको दिखाया कि ये है सोमनाथ टेम्पल। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ टेम्पल, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये। अब साथ में ये देखिए, ये है सोमनाथ बीच व्यू, बहुत ही साफ सुथरा। एक और रोड भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रोड देखिए कितनी साफ सुथरी है, यहाँ पर आके खुद ही आपको ये लगेगा कि बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है। मंदिर में थोड़ा बहुत क्राउड हो सकता है, लेकिन जो ये रोड है इस रोड पे आपको कोई भी क्राउड किसी भी तरीके का देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखिए बीच व्यू, कैमरे में शायद आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन इतनी सारी जो जहाज वगैरह, जो समुद्री जहाज हैं और शिप्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब करीब जो 40 से 50 यहाँ पर अभी भी दिख रहे हैं, कैमरे में शायद नजर ना आ पाए, लेकिन ये जो लोकेशन है वो बहुत ही अल्टीमेट है। तो अगर आप गुजरात आते हैं तो सोमनाथ जरूर आएँ और यहाँ पर धार्मिक स्थल का अच्छे से इंजॉय करके जाएँ और साथ में समुद्र व्यू को भी इंजॉय करके जाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर शाम को रुकते हैं इवनिंग में, तो आप लाइट एंड साउंड शो का भी नज़ारा ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और अब हम आपको लेके जा रहे हैं सोमनाथ बीच पर। सोमनाथ बीच बिल्कुल ही इसके नज़दीक है, ये आपको ऐसी ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, और आप साथ में ये एक हनुमान जी की भव्य मूर्ति यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक अट्रैक्शन का बहुत ही अच्छा प्लेस है। और ये देखिए, ये हम जा रहे हैं सोमनाथ बीच की तरफ, यहीं पर आप जो है वो ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं, और भी जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो यहाँ पर करवाई जाती हैं। साफ सुथरा ये बीच है, आप यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। और ये है सोमनाथ टेम्पल का ऊपर से व्यू, और ये है नाइट व्यू। तो आप यहाँ पर फुल डे 400 से 500 ऑटो में घूम सकते हैं, तो आपको यहाँ इजीली ऑटो मिल जाएंगे जो आपको पूरा दिन यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पे घुमा देंगे। और अगर आप बाय बस यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो भी आपको 30 रुपये पर पर्सन यहाँ पर घूमने को मिल जाएगा, तो आप बाय बस भी यहाँ पर घूम सकते हैं। और अलग अलग यहाँ पर प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें से एक ये है अहिल्याबाई द्वारा जो पुराना सोमनाथ टेम्पल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है त्रिवेणी संगम, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, तो वो जो अलग अलग नदियां हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, जिनका नाम है हिरण्या, कपिल और सरस्वती, जिनका मिलन यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ आप जा सकते हैं सूर्य मंदिर में, सूर्य मंदिर पे भी आप घूम सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सूर्य मंदिर के साथ साथ कोई जाना चाहते हैं तो आप त्रिवेणी संगम तो मैंने आपको बताया, ये प्राचीन पांडव गुफा भी आप जा सकते हैं, ये भी यहाँ पर पांडवों ने जे थोड़े दिन रिहाइश रखी थी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। गोलक धाम तीर्थ भी आप जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्णा पादुका जी, गोलक गार्ड, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। और आप यहाँ पर जो अपना ट्रैवल प्लान उस अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो ये कामनाथ मंदिर भी आप जा सकते हैं, और यहाँ पर जो एक दिन का बेस्ट है ट्रैवल प्लान, लेकिन अगर आप आराम से घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन भी घूम सकते हैं। श्री बालका तीर्थ मंदिर भी आप यहाँ पर नज़दीक ही देख सकते हैं, और अपना जो श्रद्धापूर्वक टाइम जो व्यतीत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सोमनाथ के नज़दीक जो प्लेसेस जहाँ पर आप घूम सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर भी जो श्री बालका तीर्थ के नज़दीक ही श्री कृष्ण स्टैचू वगैरह, और यहाँ पर जो आप जल अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होती हैं,
तो यहाँ पर आप ध्यान से जाएं और अपने दर्शन करें और जल अभिषेक करके वापस आ जाएं। सोमनाथ टेंपल के नज़दीक आप ये सारी चीज़ें अपने एक या दो दिन में इजीली घूम सकते हैं। तो आपको जो लाइट एंड साउंड शो को कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस वीडियो में कि आप, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आप नवंबर से मार्च यहाँ पर घूम सकते हैं, जो कि बेस्ट टाइम है यहाँ पर घूमने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पर गर्मी रहती है। अब बात कर लेते हैं बजट की। तो बजट यहाँ पर जो रहेगा वो आपका पर पर्सन, नॉर्मली अगर आप एक दिन घूमते हैं तो आपका 1000 रुपये पर पर्सन में ईजिली आपका सोमनाथ कवर हो जाएगा। और अगर आप एक नाइट रुकते हैं तो जो आपका वो बजट हो सकता है 1500 से 2000 रुपये, अदरवाइज आपका 1000 पर पर्सन में आप इजिली जो है सोमनाथ का टूर, जो है सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ साथ अलग अलग जगह के दर्शन आप इजिली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नए वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वर्ल्ड के साथ। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय सोमनाथ।